और ये रूट जो है ना ये निकल रहा है सीधा नैनीताल की तरफ को, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, बाइक वाइक जा रही है यहाँ से। खतरों के खिलाड़ी बनोगे रास्ते में 10 किलोमीटर से ज्यादा जंगल आना तो खतरों के खिलाड़ी तभी तो आएगा बनने मजा कालाडूंगी बनने इंजन बॉस ये भाई बता रहा है। एंड ऊपर चलते हैं, इनके जो फादर हैं उनसे पूछते हैं कुछ। हाँ देखो आप सनसेट हो रहा है वो सामने। यहाँ पे जो मैं इससे पहले आया था ना तो क्रिश्चियन बता रहे थे कि यहाँ पे ज्यादा लोग हैं नहीं, तो ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 परिवार हैं यहाँ। तो भैया जी फिलहाल पहुँच चुके हैं हम इस लोकेशन पे। तो भैया जी देखो हम कहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पूरा देखो लैंडस्लाइड से कितना बुरा हाल हुआ है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप सभी बढ़िया होंगे यार मजे पे होंगे। सो आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हम जा रहे हैं कुछ बढ़िया सी राइड पे और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कुछ एकदम से एक नंबर काफी मस्त लोकेशन और काफी बढ़िया सा कुछ है वहाँ। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं बट आप लोग वीडियो बन रहे ना बताऊंगा बीच में, बट अभी फिलहाल चलते हैं फटाफट से। और एक भाई और आ रहा है मेरे साथ, तो निकलते हैं घर से अपने और भाई को जो है ना वो मुझे लेने आ रहा था, वो मुझे पिक करेगा। तो अभी जस्ट मेरे घर के बाहर से आएगा सर से, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे साथ ही में और गाड़ी से निकल लें। ये देखो मौसम हो रहा है एकदम से धूप वाला यार, कितना मस्त हो रहा है एकदम, हल्की सी धूप आई है और इवनिंग टाइम का मौसम है। तो निकलते हैं उधर की साइड एंड चलते हैं फटाफट से बिना देर करे क्योंकि लेट भी हो रही है और भाई आने ही वाला होगा। जस्ट फोन कर लेता हूँ क्योंकि लेट भी हो रही है यार, अंधेरा हो जाता है ना शूट नहीं हो पाता है। तो चलते हैं फटाफट से, आप लोग बन रही है दोबारा आऊंगा मैं इस लोकेशन पे, कितनी मस्त लोकेशन है यार एकदम से ना, राइट साइड पे जंगल और बीच में है रोड, तो मतलब यार मजा ही कुछ और है। और यहाँ देखो बकरियाँ ऐसे कुछ लेके आए लोग। और अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं काफी ऊपर आगे गर्मी गर्म होती, लेकिन यहाँ आके आपको फील होगा रियल ठंडा और एनवायरमेंट के बहुत नजदीक जाएंगे आप। काफी मस्त है यार पंकज भाई, तो यार क्या मजा आ रहा है, घर बना लेता हूँ। आपको लेके गया नहीं कि आप समुद्र तल से बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं है, ऐसा फील होगा कि आप हिमालय की तलहटियों पे हैं कहीं। नॉर्मली है मतलब काफी मस्त है, मतलब वेदर भी बहुत चेंज है अपना हल्द्वानी और यहाँ से चलता है ऊपर को, काफी मस्त सा है। तुम यहाँ चेक करो आप, तो निकलते हैं फटाफट से अपनी लोकेशन पे क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है साथ ही और हम भी जा रहे हैं आगे की तरफ, तो देखते हैं हम पहले पहुंचते हैं अंधेरा पहले। देखो हम कहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पूरा देखो लैंडस्लाइड से कितना बुरा हाल हुआ है। तो फिलहाल यार हम दोनों भाई जो है ना अभी पहुंचने वाले हैं ऊपर, पड़ता है थोड़ा सा आगे जाके चर्च, तो वहाँ हम जा रहे हैं। और अभी जो है ना नैनीताल पहुंच चुके हैं हम और यार स्कूटी में है तो यार स्कूटी में छोटे टायर तो मतलब दिक्कत हो रही है, तो भाई बताएंगे आपको क्योंकि मेरा मुझे स्कूटी चलानी है, अगर सारा ध्यान देना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब मजा काफी आ रहा है, नेक्स्ट लेवल का मजा आ रहा है, लेकिन दिल खुश हो गया लोकेशन पर आगे ना बहुत मस्त लग रहा है। अभी हम लोग पहुंच जाएंगे ना उस लोकेशन पे जहाँ पे हम जा रहे हैं चर्च पे, तो वहाँ और मस्त लगता है एकदम क्योंकि हाइट पे है एकदम मतलब टापू पे है काफी बड़ी पहाड़ पे, तो वहाँ पे और मस्त लगता है। तो फिलहाल वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या लगता है। और यहाँ से नदियाँ देखो आप इतनी नदियाँ आपको इतनी मिलेंगी ना रास्ते पे, पूछो मत कम से कम नहीं तो 8-10 नदियाँ मिल चुकी है हमें अभी, और अभी हम आगे तरफ जा ही रहे हैं तो पता नहीं कितनी नदी और मिलेंगी हमें। नदियाँ जितनी मिली है उससे ज्यादा पुल मिल रहे हैं, बस नदियों से ज्यादा पुल मिल रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है। वहाँ उस साइड कुछ हमारा हल्द्वानी है जो कि हम उसको अलविदा बोल के आए हैं अभी कुछ देर के लिए, लेकिन जाएंगे उधर ही साइड अभी घर तो अपना वही है ना। अब
वीडियो पूरी देखना और आप जरूर आइए इधर, ये वीडियो देखना, वीडियो देख के तो फुल वॉच करना वीडियो। देखो हम आ चुके हैं आगे तो, लेकिन लैंडस्लाइड से यार रोड का कितना बुरा हाल हुआ है, जगह जगह में लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है बड़ा बुरा, और अभी तो हौले हौले निकल रहे हैं क्योंकि पत्थर इतने बुरे हैं नीचे। एक और पुल और आगे एक पुल और मिल गया है हमें अभी, क्योंकि हम इतने पुल पार करके आ चुके हैं तो ऐसा लग रहा है ना पता नहीं दूसरे देश जा रहे हैं पुल पार कर करके, होता है ना पार करने पुल पार करके दूसरा देश आता है तो वही वाला हिसाब हो रहा है। और यहाँ लैंडस्लाइड देखो पत्थर कितने बड़े बड़े आ रहे हैं नीचे, कुछ ऐसा हाल हो गया है। और अभी ऐसा भी लग रहा है ना स्कूटी चलाने में इतनी दर्द हो रही है हाथों में, संभालना पड़ रहा है स्टेयरिंग, क्योंकि रोड है जो है बहुत थोड़ा सा दिक्कत वाली है। इससे पहली बार आए थे अपना तो ये पुल था नहीं, लेकिन इस टाइम पे ये पुल भी सामने बन चुका है और उस टाइम पे हम गए थे गाड़ी खड़ी करके। लेकिन तो भैया फिलहाल अभी जो है ना हम यहाँ से चलाते हैं अपनी गाड़ी एंड रास्ता वहाँ से भी है, लेकिन हम शुभारंभ कर देते हैं इसका पहले से ही। तो ये चढ़ चुकी है अपनी स्कूटी, देखो कितने प्यार से चढ़ ली है यार मजे मजे में। और यहाँ से नीचे देखो एक नदी और मिल चुकी है वहाँ से रास्ता, लेकिन वो वाला पंकज भाई कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो अभी हमें थोड़ा और जाना है यार आगे, पंकज भाई परेशान हो गए यार गाड़ी चला चला के हालत खराब हो चुकी है, कह रहे इतना बुरा हो रहा है ना गाड़ी चला के पूछो मत, कह रहे बहुत बुरा हो गया। और यहाँ इसका पानी निकल रहा है इधर, और ये पुल बनी है देखो काफी हैवी पुल है वैसे, लेकिन ज्यादा हैवी भी नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हल्द्वानी की जो गलियां है वो 15 फीट इतनी है लगभग ये थोड़ी। फिलहाल जो है ना हम आगे को निकलते हैं, 36 मीटर ये कुछ ये पुल इस टाइप में लिखा हुआ है वहाँ पे बनी है जो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अब निकलते हैं आगे, यहाँ से थोड़ा सा ही अच्छा है और अंधेरा भी होने को है, तो थोड़ा सा अंधेरा होना और है फिर वीडियो शूट हो नहीं पाएगी, तो निकलते हैं बराबर से। तो भैया यहाँ पे चल रहा है अभी काम और हमें बोली यार बड़ी दिक्कत, देखो अभी काम ही चल रहा है और अब हम दोनों भाई निकलने वाले हैं, थोड़ा सा और आगे लोकेशन बची है यहाँ पे से जहाँ पे हमें जाना है। तो बड़ा बुरा हो रहा है, रास्ता है बड़ा डेंजरस तो उतर उतर के जाना पड़ रहा है। फिलहाल पहुंच चुके हैं हम इस लोकेशन पे, तो सामने रहा हमारे चर्च और यहाँ सामने हमारे पंकज भाई ये देखो काफी खुश हैं क्योंकि यार नजारा ही इतना मस्त है ना, मजा आ रहा नहीं क्योंकि नजारा ऐसा है ना दिल खुश होने वाला। नीचे दिखाइए यहीं से आए थे हम, तो ये है देखो रोड और हल्द्वानी दिख रहा, देखो वो रहा सामने हल्द्वानी, लेकिन अभी थोड़ा सा ना हॉल टाइप का लगा पड़ा है। और ये जो रोड जिससे हम आए थे अभी वो वाली रोड है सामने, तो उस रोड से हम कुछ आए हैं और सामने है चर्च, अभी इनका जो है कार्यक्रम आई थिंक मतलब प्रे जिसको बोल सकते हैं आप लोग, वो चल रही है इनके, हम लोगों की जो होती है अलग होती है और जो प्रे कर रहे हैं वो अपनी प्रे कर रहे हैं अभी, तो इनका जो ना कुछ और होता है नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी हम उधर को सोच रहे हैं कि यार थोड़ा खत्म हो जाए ना प्रे तो फिर उसके बाद चलेंगे। काफी मस्त लग रहा है यहाँ पे एकदम बहुत बढ़िया, अभी जो है ना हम लोग ऊपर साइड जाएंगे आप लोगों को वहाँ लेके चलेंगे और उसके साइड ना काफी मस्त लगता है ऊपर। इसी वजह से हम गए नहीं, तो फिलहाल पंकज भाई और मैं यहाँ घूम रहे हैं काफी मस्त लग रहा है। और यहाँ से जो ना सामने उनका किचन वगैरह कुछ, और यहाँ से आप नीचे चेक करो तो देखो इधर ही से हम आए हैं, वो रूट रहा अपना सामने जाएंगे और ये है कुछ चर्च इस तरीके का, बट आगे से जो है ना मेन जो है आगे साइड से पीछे जो है रहने का कुछ होगा आई थिंक शायद से, बट यहाँ कोई है नहीं तो यार मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़्यादा, तो मुझे भी कुछ लोकेशन यहाँ का पता नहीं है, बट कोई मिलता तो उससे मैं नॉलेज आप लोगों को गेन करवाता यहाँ की, बट देखते हैं अभी अगर कोई मिल गया तो उससे यहाँ की थोड़ा विस्तृतता है पूछ लेंगे क्या है कैसा है। वो लोग अपनी विशेष जो प्रे होती है उनकी वो कर रहे हैं और टाइम भी हो गया शायद उनका भी। हाँ तो अभी टाइम है तो आधा घंटे समथिंग चलेगी यार, शायद इसका ये रहता होगा कि जब सूरज ढलता है इनकी प्रे तब होती होगी, मुझे तो यही आइडिया और सूरज की ओर को मुक करके कर रहे हैं। तो वहाँ देखो आप सनसेट हो रहा है वो सामने, और उनका जो है ना उधर ही को तरफ जो है फेस है मतलब एंट्री है। सर में आई थिंक 10 से 12 लोग प्रे कर रहे हैं, 10 से 12 लोग ज्यादा लोग नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं इससे पहले आया था ना तो क्रिश्चियन बता रहे थे कि यहाँ पे ज्यादा लोग है नहीं, तो ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 परिवार है यहाँ जो क्रिश्चियन है ऐसा बता रहे थे उस दिनों, तो देखते हैं अंदर फिलहाल है तो इतने लोग क्यों ज्यादा लोग भी नहीं है और बहुत शांति शांति काफी है यहाँ पे, मतलब जैसा ना टेम्पल में हमारे होता है बट वैसी सेम टू सेम वही वाला सीन हो रहा है यहाँ पे भी काफी बढ़िया सा, और ज्यादा परिवार नहीं है तो इस वजह से ज्यादा लोग भी यार आप
समझ सकते हैं खुद ही होंगे नहीं इतने। से नीचे आप चेक करो देखो लोकेशन कितनी तगड़ी है, और यहीं से हम पिछली बार ना उस लोकेशन से ऊपर आए हुए थे, बट वहाँ चर्च में जाने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो है ना गाड़ी हमारी आ नहीं पाई थी, इस बार तो अपनी गाड़ी जो है ना प्रॉपर यहाँ हम लेके आए हैं, बट पिछली बार जो है लेके नहीं आ पाए थे, तो इस वजह से जो है ना अपनी गाड़ी हम रास्ते में ही रोक के आए थे, और वहाँ से आए थे पैदल। और यहाँ पे हमें एक भाई मिला है, जो कि भाई भी यहीं रहता है, और भाई का घर है जो जस्ट पीछे है, यहीं पर ना भाई आपका घर। तो भाई जो है ना अभी प्रे करने गया था। भाई तो एक प्रे कितने देर की चलती है आप लोगों की? एक घंटे की चलती है। तो यहाँ पे वैसे कितने परिवार हैं लगभग? लगभग टोटल 25-30 परिवार हैं अभी। तो यहाँ पे सब आते नहीं है वैसे प्रे करने? अभी शाम की प्रे नहीं होती ना, शाम के लोग बुजुर्ग लोग करते हैं ना। अच्छा, तो मतलब अभी ये प्रे ही होती या क्या होती? प्रे होती है। अच्छा, संडे की मेन होती है। अच्छा, संडे जो होती है वो मेन होती है आप लोगों की? तो इन लोगों की जो है संडे प्रे जो होती है वो मेन होती है, बाकी और दिन हो जो बुजुर्ग लोग आते हैं वो लोग करते हैं, ऐसा कुछ भाई बता रहा है। एंड ऊपर चलते हैं, इनके जो फादर हैं उनसे पूछते हैं कुछ, एंड देते हैं कुछ अगर बताएंगे, एंड ऊपर अगर अंदर की जो है वीडियो शूट करने देंगे तो जाके उनसे पता कर लेते हैं पहले, एंड फिर जाके ही करेंगे, क्योंकि अगर इनकी प्राइवेसी होगी तो फिर यार शूट नहीं कर पाएंगे हम। एंड पंकज भाई तो अपने यार व्यस्त नज़र आ रहे हैं थोड़ा, चले तो चलते हैं वहाँ और इनके फादर से बात करते हैं एक बार वहाँ जाके। फादर से आप लोगों को कुछ नॉलेज दे देते हैं, बट यार पता नहीं यहाँ का रूल समझ में नहीं आया। तो यहाँ जो है ना अंदर चर्च बंद हो चुका है और यहाँ कोई नहीं दिख रहा मुझे, तो अभी तक फादर जो है ना अंदर ही शायद आई थिंक बाहर घूमते नहीं है, कुछ होगा नियम आई डोंट नो, बट जो भी है। तो अब हमें यहाँ से कुछ दिख तो पा नहीं रहा है, बट मैं आप लोगों को ओवरऑल एक लोकेशन दिखा देता हूँ यहाँ से चारों तरफ की, कि चर्च कुछ इस तरीके का दिखता है, और यहाँ से सामने की लोकेशन है जहाँ काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी मस्त वाली। पंकज भाई कहाँ है कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ नहीं आ रहा अंदर, अभी जो परिसर है ये बंद हो चुका है। नियम भी ना यहाँ के कुछ अलग हैं, तो यार आई थिंक आप समझ सकते हैं क्रिश्चियन और यार काफी डिफरेंट रहता है, तो ये कुछ है और यहाँ से कुछ कह नहीं सकते। तो आप सामने चेक करो लोकेशन जो काफी मस्त है। तो फिलहाल जो है अब हम लोग निकलेंगे यार हल्द्वानी को अपने, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, और जो है ना रास्ता है जंगल वाला काफ़ी डरावना वाला ख़तरनाक जिसको बोलते हैं। और यहाँ से देखो लोकेशन ये है, देखो कुछ चर्च की लोकेशन। और पंकज भाई को यार डर भी लग रही है, पंकज भाई कह रहा है कितने घनघोर जंगल में लेके आए हो तुम। पंकज भाई मज़ा आ रहा नहीं, खतरों के खिलाड़ी बनोगे रास्ते में 10 किलोमीटर से ज़्यादा जंगल आना। तो खतरों के खिलाड़ी तभी तो आएगा बनने में मज़ा, कालाडूंगी बनने इंजन बहुत सी है, तो ना खतरों के खिलाड़ी बनने में आएगा इसी मज़ा। तो फिलहाल नीचे चले आओ यार, यहाँ से सामने कुछ है नहीं अब। जो सफर है बहुत आनंद भर है, काफी मस्त रहा। कि मेरा तो कुछ थॉट अलग ही थे पहले, मैंने सोचा कि कहीं घूमने फिरने वैसे जा रहे होंगे, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम किसी रिलीजन प्लेस पे जा रहे हैं। तो मैंने पंकज भाई को भी नहीं बताया, जैसा आप लोगों को नहीं बताया था, एक सरप्राइज था आप लोगों के लिए भी और पंकज भाई के लिए भी। तो पंकज भाई को काफी मस्त लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा, मस्त लगा। तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखकर जरूर आइए एक बार, क्योंकि काफ़ी बेस्ट प्लेस है, और जैसा ना हम लोगों के मंदिर पे होता है सेम टू सेम उस टाइप का ही कुछ है यहाँ भी, तो ना काफ़ी मस्त है, मतलब एक नंबर। तो आप लोग आएंगे ना तो यार खुद फील करेंगे यहाँ आके कि कुछ इस तरीके की लोकेशन है आप लोगों को। बाकी मैंने दिखा दिया यहाँ से रूट है जो कहाँ की तरफ से कहाँ को जाना है और कैसे जाना है। भैया अब निकलते हैं हम वापस अपने हल्द्वानी को, क्योंकि जो है ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, और यार हम सोच रहे थे कि यहाँ आप लोगों को गॉड से मिलवाएंगे और उनसे कुछ नॉलेज गेन करवा देंगे आप लोगों को। बट हुआ एक्चुअली क्या कि हम लोग थोड़ा रुके थे, तो वो पता नहीं अंदर चले गए या पता नहीं क्या है यहाँ का कुछ नियम, तो अब वो दिख नहीं रहे, तो यार किसी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा कॉन्टैक्ट मतलब। तो इस वजह से हमने कहा चलो छोड़ो अब चलते हैं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया है। आप खुद ही देखो कितना अंधेरा हो चुका है, और जंगल का रास्ता इतना भयंकर वाला, और ये रूट जो है ना ये निकल रहा है सीधा नैनीताल की तरफ को। तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, बाइक वाइक जा रही है यहाँ से, बट बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती अभी, बड़ी गाड़ी के लिए मतलब अभी कह रहे हैं कि बनना आगे। अब निकल रहे हैं वापस अपने लोकेशन, अपने घर की तरफ का हल्द्वानी लोकेशन में। मतलब हल्द्वानी तो बहुत दूर है, मतलब हम 10 किलोमीटर पीछे रहते हैं उससे, तो हमारी ये लोकेशन है ना ये वाली सामने, तो ये लोकेशन है जो ना हमारे घर से काफ़ी दूर तो नहीं है, मतलब अप्रॉक्स 15-20 समथिंग होगा है, 20 हाँ 15-20 के बीच मान लो, 20 मान लो आप लोग, 20 तो पूरा मान के चलो, हाँ 20 मान के चलो, इतना ही होगा। तो आज स्कूटी से आ गए थे, बट जो है ना यहाँ पे काफी बढ़िया है, मतलब मेरे लिए रास्ता अच्छा है और रास्ता कम है, तो सरप्राइज पता लगा कि रास्ता बहुत टिपिकल है, क्योंकि मैं भी ना पहले जो आया था इससे पहले जो रास्ते में वहाँ से गाड़ी पीछे खड़ी करी थी, क्योंकि रास्ता तो काफी खराब था उस टाइम पे, बट अभी तो काफी बन गया है, मतलब गाड़ी ला सकते हो आप विद इन 2-3 महीने में ना, आपको
मक्खन रोड मिलने वाली है। और यहाँ से आप नैनीताल भी जा सकते हैं, काम चल रहा है जबकि इसमें, तो काफी मस्त रोड बनने वाली है। और यहाँ से जो है नैनीताल आप लोगों को काफी शॉर्ट पड़ने वाला है, तो लोकल वालों के लिए, यहाँ वालों के लिए, मतलब मार्केट वाले तो वहाँ से जा सकते हैं, बट हाईवे से, बट यहाँ से भी बन रहा है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में ना ये बाईपास का प्लान भी है इस रोड में, ऐसा लग रहा मुझे। तो ये बाईपास ही बनेगा, बल्दिया खान पे निकलेगा ना, तो नैनीताल से नीचे बल्दिया खान पड़ता है, अप्रोक्स 2 किलोमीटर समथिंग काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है काफी तेज है, काफी स्पीड में हो रहा है काम, महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगी रोड। तो ये रोड बन जाएगी शायद, आई थिंक ऐसा लग रहा है हमें, बाकी पता नहीं, देखो गवर्नमेंट का क्या है कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो ऐसी आपको अच्छे से ब्लॉग लाते हैं। और यहाँ भी अगर मौका मिले तो यहाँ हाँ, तो यहाँ जरूर विजिट करना एक बार, क्योंकि काफी मस्त प्लेस है, बेस्ट है एकदम। एंड आना तो मॉर्निंग के टाइम पे आना, बट हम तो इवनिंग में आए तो यार काफी लेट हो गई थी, क्यों? क्योंकि हमारा कुछ और प्रोग्राम भी था तो वो प्राइवेसी है, भी नहीं बताएंगे वो भी सरप्राइज है, तो आप लोगों को नहीं बताएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के इस ब्लॉग में, बाय बाय।